हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी का जलेबी को लेकर बयान काफ़ी चर्चाओं में था, कई बयानबाजियां इस पर हुई थी, तो वहीं जब चुनाव के परिणाम आ रहे हैं तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जलेबी बनाई जा रही है और यहां पर लोगों को बांटी जा रही है। कांग्रेस के यहां पर तमाम नेता हैं, लोगों को जलेबी बांट रहे हैं और यहां खुद अपने हाथ से बना रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, जलेबी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आज तो? देखिए, 10 साल पूरी देश की निगाहें जम्मू कश्मीर के चुनाव पर थी। लोगों को लड़ाकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी, लोकतंत्र की हत्या करके करी, उन्हें बंद करके करी, लेकिन अंतोगत्वा वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित के नाम पर राजनीति कर रहे थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की आवाम हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, आज उन्होंने लोकतंत्र के तहत ये बता दिया कि हिंदुस्तान प्यार से, मोहब्बत से, एकता से चलेगा, दादागिरी और घमंड से नहीं चलेगा। आज मोदी सरकार की दादागिरी और घमंड चकनाचूर हुआ है और जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में जो जलेबी को लेकर बयान था, जिस तरह से भाजपा ने उसको बनाया कि जलेबी की फैक्ट्री खुलवाएंगे राहुल गांधी, और जलेबी को लेकर सियासत हो रही थी, आप लोग आज जलेबी बांट रहे हैं, क्या मकसद है इसका? जम्मू कश्मीर में जलेबी की फैक्ट्री लगेगी और मोदी जी के इशारे पर राजनीति करने वाले लोग और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री थे, वो इस जलेबी की चाशनी का रस देखेंगे। आज एक सबक मिलेगा मिठास से, जो भाईचारा और एकता जो राहुल गांधी ने कहा है लाल चौक पर, ये देश हिंदुस्तान भाईचारे और एकता से चलेगा। ये जलेबी की मिठास जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताई कि दादागिरी और घमंड और लोगों को हटाने और अलग अलग करने का जो भावना भारतीय जनता पार्टी की थी, वो आज समाप्त हुई। आज जलेबी की रस से और मिठास से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनाई है। हरियाणा में जो उम्मीद थी, जितना आप लोग सोच रहे थे और जिस तरह से आप लोग उम्मीद जता रहे थे कि सरकार वहां पर भी बनती हुई नजर आई, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से दिख रहा है कि बढ़त से थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप देखिएगा, एक तरफ की जलेबी सिक गई है और दूसरी तरफ पलटना बाकी है। कहीं कोई 500 से पीछे, कहीं कोई 200 से पीछे, कोई 100 से पीछे है। भारतीय जनता पार्टी के विकास को जनता ने नकारा है, वहाँ महिला, किसान, नौजवान और पहलवान की जीत होगी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और उससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जलेबी बनाकर लोगों को बांटी जा रही है और दावे यही किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बनने जा रही है, लेकिन यहाँ उससे पहले मिठाई बांटकर लोगों में जश्न जैसा माहौल